एक बार फिर बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी चर्चा में आ गए हैं। बताते चले कि मंगलवार देर रात मुंबई पुलिस की सोशल सर्विस ब्रांच ने एक हुक्का बार में रेड मारी थी, जहां उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी समेत 14 लोगों को हिरासत में लिया था। सभी आरोपियों पर कोटपा के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस ने 41A का नोटिस देकर के फारूकी को जाने दिया है, मगर बिग बॉस जीतने के बाद से कई बार वो ट्रोल होते भी दिखे हैं। लेकिन इस बार जो हुक्का बार में रेड पड़ने के बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिग बॉस से निकलने के बाद चाहे एल्विश यादव या फिर मुनव्वर हो, अब ऐसे में देखे तो साफ तौर पर लगता दिख रहा है कि बिग बॉस में दाखिल होने के बाद लोगों का करियर खत्म की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि यह इन दोनों के फैन की तरफ से भी यही बात कही गई थी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस बार टारगेट बिग बॉस के विनर अप ही किए जा रहे हैं, या बतौर पनौती के रूप में हम इसे देख रहे हैं, क्योंकि एल्विश यादव और मुनव्वर फारूकी दोनों की मित्रता भी काफी देखने को मिली थी। खैर, सबसे पहले आपको पूरा मामला समझाते हैं कि आखिर क्यों मुनव्वर की गिरफ्तारी हुई। जानकारी के मुताबिक सोशल सर्विस ब्रांच ने बीती रात मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित सबालन हुक्का पार्लर में रेड के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया था। इन लोगों में से एक मुनव्वर भी थे। पुलिस को जानकारी मिली थी कि पार्लर में तंबाकू प्रोडक्ट के साथ निकोटिन का उपयोग हुक्का पार्लर में किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं अगर तंबाकू प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं तो पुलिस इन सब पर सिगरेट एंड टोबैको एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। हालांकि मुनव्वर फारूकी को नोटिस देकर रात में ही घर जाने को दिया गया। मामले में अब तक मुनव्वर की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है। अब देर रात भले ही मुनव्वर को छोड़ दिया गया हो, लेकिन थाने तक पहुंचना यह मजीद एक बड़ा मसला बन गया है, क्योंकि यह पहली मर्तबा नहीं है जब मुनव्वर का नाम विवादों में आया है। इससे पहले 2021 में इंदौर में एक स्टैंड अप कॉमेडी इवेंट के दौरान भगवान राम के बारे में कुछ संवेदनशील टिप्पणी करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। मामले में लगभग उन्होंने 35 दिन जेल में गुजारे थे। जेल से बाहर आने के बाद भी उन्होंने कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। उन्होंने ऑनलाइन ट्रोलिंग को झेली ही, साथ ही उनके कई शोज भी कैंसिल हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कंगना रनौत के शो लॉकअप से नया सफर शुरू किया। वो शो के विनर बनकर सुर्खियों में आए। लॉकअप जीतने के बाद उन्होंने बिग बॉस 17 में हिस्सा लिया और वो शो के विनर बनकर बाहर निकले। बिग बॉस जीतने के बाद उनकी खुशियां सातवें आसमान पर थी। वहीं एक बार फिर उनका नाम विवादों से जुड़ गया है। अब इसी बात को लेकर के चारों तरफ से कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, और अगर जांच में जो पुलिस कह रही है कि तंबाकू प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं तो यकीनन बहुत ही बड़े तौर पर कार्रवाई की जा सकती है। क्या कुछ है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।